एमपी के शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री रघुवंश सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले के मार्गदर्शन में दिनांक 10/9/2023 की रात थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अपनी HF डीलक्स मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ शराब से भरी प्लास्टिक की कैनों को लटकाए हुए हाईवे रोड पर रजनी वाटिका के पीछे बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक करने हेतु मुखबिर के बताए स्थान के पास पहुंचे तो दो व्यक्ति खड़े दिखे। उनके पास एक मोटरसाइकिल पर दो प्लास्टिक की कैन बंधी हुई थी। दोनों व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया तथा एक व्यक्ति को हमराही फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा तो उसने अपना नाम मंगल बरार पुत्र नाथू उर्फ नथु बरार उम्र 38 साल चंगेर पहाड़ी दाल मिल के पीछे करेरा का होना बताया। भागने वाले व्यक्ति के संबंध में नाम पता पूछा तो उसने अशोक कंजर निवासी करेरा का होना बताया। आरोपी के कब्जे वाली दोनों कैनों को लेकर उनके ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें भट्टी की बनी कच्ची शराब करीब 40-40 लीटर भरी होना पाई गई। आरोपी से शराब रखने लाने ले जाने के संबंध में लाइसेंस मांगा तो नहीं बताया। कल रात्रि को मुकुंदा सूचना प्राप्त हुई कि मंगल बरार निवासी करेरा का अपने डीलक्स मोटरसाइकिल से अवैध रूप से रजनी बाटका तरफ से अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर से चेकिंग लगाई गई तो आरोपी मोटरसाइकिल पर दो कैनर लाद कर आ रहा था, जिसे रोक कर चेक किया गया तो उसमें 80 लीटर देसी हार्पटिक शराब बनी थी, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विरुद्ध धारा 34(2) की कार्रवाई की गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।